नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पीएम मोदी की कैबिनेट में 43 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है। कैबिनेट विस्तार में 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया तो 36 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राजनीति के जानकारों का यह कहना है कि अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया है। कैबिनेट में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का खास ध्यान रखा गया है और वहीं इसी तर्ज पर कई राज्यों में भी मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया तेज हो गई है। यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्य हैं जहां पर सुखबुगाहट सुनने में आ रही है, यानी यह कहा जा सकता है कि इन राज्यों में भी जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की संभावनाएं प्रबल बताई जा रही हैं, जिस पर आज बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि पंजाब कैबिनेट में भारी फेरबदल की तैयारी है। कैप्टन ने सोनिया से मुलाकात के बाद प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ भी चर्चा की। वह सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग के बीच इस मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल इस बदलाव पर सबकी निगाहें हैं। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तनातनी जगजाहिर है। कांग्रेस हाईकमान के लिए इन दोनों को साधना अभी भी चुनौती है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल विस्तार से तनातनी खत्म होगी? मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, यह बड़ा सवाल है। और वही बात करें योगी सरकार की, तो उनके मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल 6 कैबिनेट के पद खाली हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो चुका है तो बहुत जल्द योगी मंत्रिमंडल में विस्तार देखने को मिल सकता है, लेकिन किस तरीके का विस्तार होगा, क्या कुछ मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे, यह सवाल भी अहम है। बात मनोहर कैबिनेट की करें तो उसमें अभी 2 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, जिसमें माना जा रहा है एक जेजेपी और एक बीजेपी के कोटे में जाएगा। लेकिन क्या बेहतर परफॉर्म ना करने वालों को यहां भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? तो आज चर्चा बड़ा मुद्दा में इन्हीं बातों को लेकर कि केंद्र के बाद राज्य सरकारों के मंत्रिमंडल विस्तार की रणनीति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। खासकर राजस्थान, यूपी, पंजाब और हरियाणा में क्या जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर किस रणनीति के तहत ऐसा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम पंजाब और हरियाणा की राजनीति के बारे में हमारे ब्यूरो कुलवीर दीवान से समझेंगे। कुलवीर दीवान, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पंजाब में चुनाव होने हैं, हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, लेकिन पहले पंजाब के बारे में आपसे जानूंगा। वहां पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान ये चाहती है कि बहुत जल्द वहां पर कुछ ऐसा बड़ा किया जाए, सबको खुश कर दिया जाए, चाहे कैप्टन हो चाहे सिद्धू हो, क्या तैयारियां आपको नजर आती हैं? देखिए, पंजाब में मंत्रिमंडल फेरबदल की इसलिए भी अटकनी तेज हो गई है क्योंकि पंजाब में जो चुनाव हैं उनमें मात्र अब 6 महीने के आसपास का समय जो है वो बाकी है। लेकिन यदि जिस तरह से दिल्ली में जो आलाकमान द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, आपको याद होगा कि तमाम कांग्रेसी विधायक और मंत्रियों से उन्होंने मंत्रणा की थी। दिल्ली में 3 दिन ये मीटिंग चली थी। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो विवाद पनपा था यार, उसके बाद एक गुट जो है वो छिटक कर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हुआ था। उस विवाद को थामने का नाम इसको दिया गया था या अटकने लगाई गई थी कि उस विवाद को आलाकमान थामना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी बातचीत में फीडबैक जो है वो सरकार का लिया गया, सरकार के कामकाज का लिया गया, और जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो है वो संतोषजनक नहीं है, और उन मंत्रियों पर भी गौर किया गया क्योंकि विधायकों से भी फीडबैक लिया गया, और विधायकों ने बहुत सारे विधायकों का जो है वो सरेआम ये कहते थे कि हम किस मुंह से अपना जो वोट है अगली बार मांगने जाएंगे क्योंकि सरकार संतोषजनक काम नहीं कर पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक आंकलन किया गया कि कौन कौन से ऐसे मंत्री हो सकते हैं जहां पर बदलने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, और क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे और लगातार से जब से सरकार बनी है उनकी मंत्री पद पाने की इच्छा थी, और वक्त वक्त पर ये जग जाहिर भी हुई है। कांग्रेस आलाकमान तक की मंशा जो है वो पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का कोई फेरबदल जो है वो नहीं किया गया। लिहाजा जो असंतोष था या फिर ये कहें कि एक संतुष्ट नहीं कर पा रही थी सरकार अपने विधायकों को या कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को एडजस्ट करके, तो वो कहीं ना कहीं अब बढ़ने लगा था।
जिसका खामियाजा जो है वो सरकार को भुगतना, कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता था विधानसभा चुनाव में। तो इसीलिए ये चर्चाएं जो है वो तेज होने लगी हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से सोनिया गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की, नवजोत सिंह सिद्धू ने की है, तो ना केवल ये विवाद जो है वो टालने के लिए बल्कि एक बैलेंस बनाने के लिए, और खासतौर पर जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस सही नहीं है या फिर जिन पर उंगलियां उठी हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तो वहां पर भी छवि सुधारने की कोशिश में है, क्योंकि 6 महीने का काम जो है वो शेष है और अब कांग्रेस ये चाहती है कि 6 महीने जो है वो सरकार का चेहरा मोहरा ठीक कर लिया जाए ताकि अगले विधानसभा चुनाव में वोट मांगने में कोई दिक्कत पैदा ना हो। और जिस तरह से एक और पारी जो है वो सत्ता की खेलनी चाहती है कांग्रेस, उसमें भी कोई ज्यादा चुनौती बड़ी जो है वो खड़ी ना हो। लेकिन कांग्रेस के लिए हालांकि ये हालात काफी हद तक सही है कि जो विपक्षी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, श्रोमणी अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो अभी तक कमजोर गिने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की अपनी अंतर्कलह जो है वो खुलकर सामने आई और कांग्रेस के जो अपने ही लोग हैं उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, तो एक जनता में संदेश जो है वो जरूर जाता है ऐसे में सरकार के प्रति और पार्टी के प्रति। तो ये सभी चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने। चुनौतियां हैं, महत्वाकांक्षाएं तो सबकी होती है कुलवीर दीवान, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के चलते पार्टी को अगर नुकसान होता है तो उसके बारे में पार्टी को सोचना चाहिए। छोटा सा कमेंट हरियाणा को लेकर और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में भी कई बार ये चर्चा उठी है कि यहां पर भी 2 मंत्रियों के पद खाली है, उनको भरा जा सकता है या जिनके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप, छोटा सा कमेंट आपका। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल इस सवाल के जवाब में ये कहा था कि ये रणनीति का हिस्सा है, तो उससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में भी इस तरह का कोई छोटा मोटा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया कुलवीर दीवान इस जानकारी के लिए। अब यूपी लिए चलते, हमारे ब्यूरो है अमितेश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश श्रीवास्तव से समझेंगे, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे थे योगी, ऐसी बातें सामने आई अमितेश, और अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि केंद्र में तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, जिसको मौका मिलना था मिल गया और जिस रणनीतिक तहत जिसको मंत्री पद बनाया देना था मिल गया। योगी सरकार क्या सोच रही है, योगी क्या सोच रहे हैं कि किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, कब किया जाए, इसको लेकर क्या तैयारियां आपको नजर आती हैं अमितेश? उत्तर प्रदेश की सियासत को, और जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट में का विस्तार किया गया और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा, अगर यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो मंत्रिमंडल है में जगह है वो उत्तर प्रदेश को मिली है, अगर समीर उन मंत्रिमंडल पर अगर आप गौर करें तो देखिए जातिगत हिसाब से, यानी जो जातिगत जो समीकरण है वो बिठाने की कोशिश शुरू की गई है मोदी सरकार में। दूसरी तरफ तस्वीर ये जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह की तस्वीर केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखने को मिली थी, यानी कि मोदी सरकार में जिस तरीके का फेरबदल देखने को मिला था उसी तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमसे ये है जो समझना होगा कि वो लगातार केंद्र सरकार के वो मंत्री जो दिग्गज मंत्रियों में शुमार थे, चाहे प्रकाश जावड़ेकर की बात करें या फिर रविशंकर प्रसाद की बात करें, तमाम उन मंत्रियों को दरकिनार किया गया है, उनके पर काटे गए हैं, और जाहिर सी बात है कि ये संदेश उत्तर प्रदेश के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसे मंत्री हैं जो भारी भरकम मंत्रालय जिनके पास है, लेकिन संगठन और सरकार के बीच जब कामकाज का जब लेखा जोखा जब समझने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल हो पा रहे हो जा रहे हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम जो सीनियर मंत्री हैं उनकी भी योगी सरकार के मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। और वही सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी दांवपेच के बीच जातिगत समीकरण पर भी योगी सरकार अपनी समीकरण फिट करने की जो पूरी कोशिश है वो करेगी, क्योंकि अभी देखिए भूपेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में जगह मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, क्योंकि यादव वोट बैंक को बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं यूपी सरकार भी पूरी तरीके से दांव खेलेगी। उसके अलावा दलित वोट बैंकों में सदभारी के लिए भी जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें दलित चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं, पिछड़ा वर्गों को अपने
तरफ लुभाने के लिए बीजेपी जरूर दांव खेलेगी और तमाम जो पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं उनका प्रमोशन और तमाम और नए चेहरों को जगह मिल सकती है। कुल मिलाकर शमशेर कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है सत्ता का वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और जाहिर सी बात है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इस पर फोकस करना होगा और मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही पूरा जो समीकरण है वो बनाया जा रहा है। लगातार संगठन के जो लोग हैं वो सरकार के कामकाज की पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जब योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो तमाम नए चेहरों को जगह मिल सकती है। ओबीसी दलित की तो हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ जब स्वर्ण कास्ट लोगों की बात करें मंत्रिमंडल में तो क्या अभी ऐसी गुंजाइश नजर आती है कि किसी खास जाति विशेष से लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? नाराजगी को लेकर कई बार बातें, ब्राह्मण समुदाय की बात करें वहां से भी कई बार ऐसी बातें निकलकर सामने आई, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कुछ चेहरों को बीजेपी में शामिल किया जाता है, ये कैसा समीकरण बना सकती है इसको लेकर योगी सरकार? देखिए इसको बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया है और जो आपने सवाल उठाया शमशेर उसी तरह के सवाल जो है हर किसी के जहन में है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो योगी सरकार से नाखुश है और इसका इम्पैक्ट जो है वो गलत जा सकता है, इसका बड़ा असर पड़ सकता है और यही वजह है कि चाहे जितिन प्रसाद को लीजिए, जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, जितिन प्रसाद के पिताजी कांग्रेस के रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको अपने पाले में लाने पर सफल हो गए और ये माना जा रहा है कि तमाम ऐसे चेहरे जो ब्राह्मण चेहरे हैं और जिनकी पहुंच है उनको और जो खासतौर पे नाराज है बीजेपी से उनको भी मनाने की जो कोशिश है वो लगातार हो रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगर बात करें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2014 में बीजेपी की यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, हालांकि लगातार ये माना जा रहा था कि उनका कद बढ़ेगा लेकिन जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए उसके बाद से वो लगातार हाशिए पे हैं तो दिग्गज नेता हैं तो ऐसे में माना जा रहा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाकर, उनको MLC बनाकर, मंत्री बनाकर एक मैसेज, एक संदेश देने की जो कोशिश है वो उत्तर प्रदेश की उपजाता सरकार करेगी कि ब्राह्मणों से ब्राह्मण उनके साथ हैं और सभी जातीय समीकरण में बार बार कह रहा हूं शमशेर कि सभी जातीय समीकरण बिठाने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से होगी। बिल्कुल ऐसा होगा नीतीश, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैदान में सभी घोड़ों को दौड़ाना जरूरी है अगर सत्ता हासिल करनी है तो, क्योंकि जितनी भी जातियों के समुदाय के लोगों को कोई भी राजनीतिक पार्टी मंत्री पद देती है या मंत्रालय में शामिल करके कोई और बड़ी जिम्मेदारी देती है तो उसका फायदा चुनाव में होता नजर आता है। बहुत शुक्रिया अमितेश जी जानकारी के लिए। आरके शर्मा हमारे ब्यूरो है राजस्थान से, राजस्थान में भी कैप सचिन पायलट और गहलोत के बीच की तनातनी जगजाहिर है, ये बात किसी से छिपी नहीं है तो क्या हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान इस बात पर विचार कर रहा है कि दोनों दलों को साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, कुछ लोगों की छुट्टी की जाए, कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और इसके अलावा क्या कुछ रणनीति हो सकती है बताएंगे आरके शर्मा। आरके सबसे बिल्कुल राजस्थान में है जिस प्रकार से यूपी पंजाब वो जो हलचल चल रही है, राजस्थान में सबसे पहले जो हलचल राजस्थान से शुरुआत हुई थी पूरे भारत देश भर में पिछले 10 महीने से जो ड्रामा शुरुआत हुई थी पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और राजस्थान सीएम अशोक गहलोत वो फिलहाल अगर अपन बात करें थम तो गया है पर आज पूरी तरह बुझी नहीं है अभी तक। ये प्रियंका गांधी बिल्कुल इसमें इंटरफेरेंस कर रही है, सोनिया गांधी लगातार, अजय माकन राजस्थान के प्रभारी है वो पिछले 3 दिन राजस्थान में थे, कली रवान की यहाँ किए गए, उन्होंने कहा मंथन करेंगे मगर फिलहाल अगर अपन बात करें मंत्रिमंडल विस्तार का यह संकेत तो मिल रहा है मगर अगर अपन पुख्ता तरीके से सोर्स की बात करें, इंटरनल सोर्स की बात करें ये पुख्ता नहीं कह पा रहे अभी फिलहाल कि यहाँ मंत्री विस्तार करेगा। राजस्थान में अभी विधानसभा इलेक्शन काफी समय है, 2-2.5 साल यहाँ रह गए हैं तो हो सकता है कि ये जो अभी कयास लोग लगा रहे हैं कि विस्तार मंत्री विस्तार कहीं ना कहीं संक्षेप लग नहीं रहा है कि राजस्थान में इतनी जल्दी ये विस्तार करेंगे। बिल्कुल लगता नहीं है जल्दी विस्तार करेंगे और अगर जल्दी नहीं करेंगे तो फिर देर न हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है आरके शर्मा, अगर बहुत जल्दी नहीं किया तो देर बहुत हो जाएगी, जैसे कि हम पंजाब में इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि ये एक चुनौती बन गई है सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई। समस्या ये है जो विधायक जो सचिन पायलट के साथ विधायक जो थे वो उनमें से काफी जो 19 विधायक थे उनमें से काफी टूट चुके हैं तो ये आला कमान को भी ये संकेत हो चुका है सचिन पायलट कहीं ना कहीं कमजोर हो चुके हैं, कमजोर पड़ गए।
कमजोर पड़ रहे हैं। और बात सही है, जो बसपा के विधायक है वो बिल्कुल डायरेक्ट अशोक गहलोत सीएम राज्य के उनके बहुत से गुटफेद में है, उनको आश्वासन दे रखे हैं और उनके जो जहां से जो विधायक है निर्दलीय विधायक हो, और सबसे बड़ी बात ये समझे जो निर्दलीय विधायक है राजस्थान में 12-13 उनमें से ज्यादातर 8-9 विधायक वो है जो टिकट नहीं मिलने के कारण, अशोक गहलोत के खेमे के थे, टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय खड़े हुए और आज वो जो विधायक है 12 वो अशोक गहलोत के साथ है बिल्कुल साफ। हाँ, ये ना आप अहम बात कह रहे हैं कि कमजोर पड़ गए सचिन पायलट, लेकिन एक अहम बात और आपसे जानूंगा आरके शर्मा कि कमजोर पड़े हैं जैसे आपने कहा, लेकिन ये भी जरूरत है कि वो विधायकों के न होने से कमजोर पड़े हैं, उनका जनाधार कमजोर नहीं पड़ा होगा, जिस इलाके से वो आते हैं जिस इलाके पर उनकी पकड़ है तो उस पकड़ को बरकरार रखने के लिए सम्मान तो देना पड़ेगा, लेकिन कितना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आरके शर्मा समशेर जी बिल्कुल आप सही बता रहे, गुज्जर समुदाय जो राजस्थान में है वो काफी संख्या में राजस्थान में है, वो अगर जिता नहीं सकते किसी विधायक को, हरा तो सकते हैं, काफी संख्या में है और उनके लिए आज की डेट में सचिन पायलट भगवान है। उनके लिए सचिन जहां जहां जाते हैं सैकड़ों तादाद पे गुज्जर समुदाय के लोग हो या और भी जो है वो बिल्कुल एक हीरो बन के उभर के पा रहे हैं, मगर राजस्थान में जो इलेक्शन 2.5 साल लगे और सचिन जो जल्दीबाजी उन्होंने करी है तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए घातक ही हो रही है। और आलाकमान को मालूम पड़ रहा है कि सचिन पायलट के साथ विधायक जो थे वो इनके साथ है ही नहीं, और आलाकमान के लिए फोन से कॉन्टेक्ट हो रही है उनकी, मगर डायरेक्ट उनको मिलने का समय दे नहीं पा रहे हैं, प्रियंका गांधी दे रही है ना राहुल गांधी सोनिया गांधी, तो कहीं ना कहीं आलाकमान को ये संकेत हो चुका है कि सचिन से नाराजगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अशोक गहलोत जो जनाधार लेकर राजस्थान के और पिछले 40-50 सालों से गांधी परिवार के निकट है तो उनसे बैर शायद नहीं करेंगे, जो अगर सचिन पायलट जो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, जतिन प्रसाद ने करी है, तो उनको सचिन पायलट की जाति समीकरण को देखते हुए भी या कैसे भी तो लगता नहीं है जो दिल्ली आलाकमान है वो इतनी घबराई हुई है सचिन को लेके, कारण को मांगू ना कि यहाँ विधानसभा 2.5 साल रह गए और अभी वक्त है, ये मान सकते हैं वक्त है, इस 2-2.5 साल के इस वक्त में हाईकमान क्या कोशिशें करती है और क्या तैयारियां करती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आरके शर्मा इस जानकारी के लिए। तो आज इन 4 राज्यों पर फोकस करेंगे हम भी, अलग अलग जगह से रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई। अब ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसको लेकर पार्टियां क्या सोचती हैं, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, बीजेपी की क्या सोच है, इसके साथ साथ राजनीति के जानकार लोग, पत्रकारिता के जानकार लोग क्या कहते हैं, इस पर चर्चा करना जरूरी है। हमारे संवाददाताओं ने, ब्यूरो ने पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। मेरे साथ मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ चुका है, परिचय मैं करा देता हूं। डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। अनुमा जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। यादव साहब बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। और सीमा गिल एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारी स्टूडियो में मेरे साथ है। सीमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले महेंद्र यादव जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र में तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, जिसको जो मौका मिलना था मिल गया, अब आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव होना या जहां पर ऐसी सुगबुगाहट है कि तनातनी बनी हुई है दो धड़ों में, कहीं कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके सामने कई राज्यों में चुनाव हैं, इसको लेकर क्या रणनीतियां राज्यों में होंगी और केंद्र का जो असर है वो क्या देखने को मिलेगा राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए शमशेर जी, अभी तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार का या फेरबदल का या कई बड़े नामी चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर कर देने का जो असर देखने को मिल सकता है वो यही कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर ये संदेश देने की कोशिश कर सकती है, जो जिसमें बहुत सारी ओबीसी जातियों को, एससी जातियों को, जिनको सरकार में उतना महत्व नहीं मिलता है तो उनको एक टोकन भागीदारी ही करके जिस तरीके से केंद्र में किया है उस तरह से कि ये करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र में हुआ है, क्योंकि जो केंद्र में मंत्री को जो बहुत सारे मंत्री शामिल किए गए हैं वो उतनी अहम बात नहीं है। इतनी अहम बात ये 12 मंत्रियों को, जिसमें 3-4-5 बहुत नामी और बहुत मजबूत मंत्री थे, कद्दावर नेता थे, उनको हटाने की बात जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का भी मुझे नहीं लगता है कि राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कुछ लोगों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फेरबदल करेंगे, कई या जो मजबूत मंत्री है, कद्दावर नेता है, इनको हटाएंगे ऐसा होता नहीं दिख रहा है।
मुझे लगता है राज्य राज्य कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा वर्ग संतुष्ट हो जाए, कुछ इलाके जो छूटे हुए हैं उनकी भागीदारी हो जाए, जिन जातियों के वोट लेने हैं उनकी कुछ भागीदारी ऐसी हो जाए कि वोट मांगने लायक उनके लिए हो जाए। ये मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल इसमें हो सकता है। और राजस्थान का मामले की आप लोग जो चर्चा कर रहे थे वो थोड़ा सा अलग मामला है, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार से ज्यादा वो मामला वहाँ पर कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, अंदरूनी मतभेद जो चल रहे हैं उसको एक संभालने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उसमें इतना आसान है नहीं, क्योंकि दोनों पक्षों का रवैया कुछ ऐसा है, खासतौर पर मुख्यमंत्री का रवैया ऐसा है कि वो चाहते क्या, जैसे अभी ब्यूरो आर के शर्मा कह रहे थे कि कैप्टन सॉरी वहां पर पायलट जो कमजोर पड़ गए हैं, कि सच में ऐसा हो गया है कि वो इतने कमजोर हो गए कि हाईकमान कोई सोच ही नहीं उनके बारे में? एकदम से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा संदेश ऐसा जरूर जा सकता है जा रहा है, क्योंकि राजेश जब तक वो सचिन पायलट मुख्यमंत्री हैं, जब तक वो मुख्यमंत्री हैं, और क्योंकि एक बार इन्होंने सरकार की जो थोड़ी बहुत थी अपने विधायकों को लेकर अलग हटने की कोशिश की थी वो परवाह नहीं कर पाई या समझाने के बात बन गई किसी भी तरीके से रहा हो, लेकिन उतना बड़ा कोई नुकसान ये नहीं कर पाए। तो और गहलोत तो चाहते हैं कि इस तरीके से अमरिंदर सिंह को ब्रीएंड मिला या वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला उस तरीके का मिले, यानी जो समझौता हुआ इसका फायदा ये अपने आप को मजबूत करने में और सचिन पायलट को एकदम कमजोर करने के लिए करना चाहते हैं। तो तात्कालिक रूप से तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि सचिन पायलट अब नहीं लगता है कि किसी भी हालत में एकदम बगावत की हद तक जाएंगे, और बगावत की हद तक नहीं जाएंगे तो वो थोड़ा सा कमजोर लगते रहेंगे। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व का कर्तव्य है कि अगर उन्होंने पहले मामला सुलझाया था तो उनके स्वाभिमान की भी रक्षा करें, उनके अधिकार की भी रक्षा करें, और ये ना माना जाए कि जिस तरीके से अशोक गहलोत को केवल कोई माली मतदाता उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, उस तरीके से ये माना जाए जैसे कि भी हमारे साथ भी आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि गोर्जर समुदाय में सचिन पायलट की बड़ी लोकप्रियता है। सचिन पायलट की लोकप्रियता केवल गोर्जरों के दम पर नहीं है, लोकप्रियता होती है तो उसके अलावा भी है, और अशोक गहलोत की लोकप्रियता भी युवा चेहरा है, युवा चेहरा है, और पुराना पारिवारिक राजनीतिक का जो एक रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल। मैं कह रहा था कि ऐसा संदेश लग सकता है, लेकिन अब जब तक चुनाव आने की जब चुनाव का समय आएगा तब सचिन पायलट कमजोर लगते हैं या मजबूत लगते हैं ये असली पता तब लग पाएगा, तब लगेगा कि उनके आधार की अभी तो चले मैं आपके पास आऊंगा महेंद्र यादव जी, पंजाब को लेकर बात करेंगे, ठीक है, कमजोर है, पंजाब को लेकर भी बात करेंगे, हरियाणा को लेकर भी आपसे बात करूंगा। संदीप चौधरी मेरे साथ हैं, संदीप जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चले संपर्क नहीं हो रहा उनसे, उनके पास चलेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर धनंजय गिरी आपसे बात कर लेते हैं। केंद्र में विस्तार हो गया है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा की, या तमाम ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर भी सुगबुगाहट है, और इसको लेकर तैयारियां नजर आती हैं, कितनी धरातल पर नजर आती हैं ये भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता सकती है। क्या केंद्र में जो विस्तार हुआ उसी की तर्ज पर राज्य सरकारें, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर कोशिश चल रही है, उत्तर प्रदेश है या हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, क्या तैयारियां चल रही हैं? सर जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विस्तार तो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के हृदयों में है। अब जहां तक कार्य और कार्यक्रम की सुविधा के लिए समय समय पर जैसी जरूरत होती है, देश में प्रधानमंत्री का और राज्यों में मुख्यमंत्रियों का प्रोरोगेटिव यानी कि विशेष अधिकार होता है, वो जिसे अपने मंत्रिमंडल में लेना चाहे कार्य और कार्यक्रम कार्यान्वयन की सुविधा के लिए वो लेते जाते हैं। प्रधानमंत्री ने उसी तर्ज पर दिल्ली में किया है, जिससे हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके। ऐसे ही कुछ राज्यों में भी हो सकता है, जैसी जरूरतें होंगी वैसा विस्तार करेंगे राज्य के जो मुखिया है। जो आप अलग अलग राज्यों की चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो विस्तार हो रहा है वो कार्यशाला के आधार पे हो रहा है, कार्यक्रम कार्यान्वयन के आधार पे निकाला जा रहा है, ये बाहर भी किया जा रहा है, ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ जैसी जरूरत होती है, जिसकी जहाँ जरूरत होती है, किसी को संगठन में लगाया जाता है, किसी को सरकार में लगाया जाता है, जिसकी जहाँ उपयोगिता होती है उसका वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो उसको जहाँ लगाया जाता है वो काम करता है। लेकिन बाहर और अंदर होने का फर्क समझिए कि हमारे यहाँ कोई बाहर जाता है तो कुंभशाला में नहीं जाता है,
या हमारे यहाँ कोई को भवन में नहीं गया था कि हमको मंत्री नहीं बनाओगे तो हम तोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दिल्ली से लेकर के और राज्यों तक की कोई परेड हमारे यहाँ नहीं चल रही थी। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा कलेक्टर नहीं था कि हमको बना दो नहीं तो हम ये कर देंगे, हम विधायक लेकर अलग हो जाएंगे और दिल्ली तक के दरबार में हाजिर लगा रहे थे। धनंजय गिरी जी, मेरे ख्याल में महेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आपके सांसद पवित्र खान ने युवा मोर्चे का अध्यक्ष पद त्याग दिया है इस विरोध में कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। ये बात कर रहे थे धनंजय जी आपकी, ऐसी हमारे यहाँ मुखालफत नहीं होती है, तो एक एक उदाहरण तो आ गया ना। देखिए ऐसा है कि उनका बहुत दिनों से चल रहा था और जब लोग आते हैं तो उस तरह के लोग भी आते हैं, सभी में बहुत दिनों से चल रहा है। धनंजय जी सभी में बहुत दिनों से चल रहा होता है, ख्वाहिशें महत्वाकांक्षाएं। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी एक मिनट, सभी की ख्वाहिशें होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन वो अगर दुनिया के सामने आ जाती हैं तो फिर वो विरोध हो जाता है। सबकी इच्छाएं तो होती हैं लेकिन अगर वो सामने आ गए तो विरोध हो गया ना, वो पार्टी की नीतियों का विरोध हो गया, पार्टी के खिलाफ विरोध हो गया, नेतृत्व के खिलाफ विरोध हो जाता है। वो एक व्यक्ति करे वो 50 व्यक्ति करे, विरोध तो विरोध होता है। किसी एक व्यक्ति का स्वर सुना और वो कहीं से आए होंगे हमारे यहाँ और फिर उनके उत्तर हमारे संस्कार, आपने कहीं से आए होंगे, आपने ऐसे ही ले लिया, कहीं से कोई आया आपने ऐसे ही ले लिया। नहीं, हमारे यहाँ जो हमारे नियम और नीतियों के अनुसार आता है वही हमारे यहाँ चलता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई एक्सरसाइज नहीं चल रही है। जैसे अन्य दलों में लगातार यहाँ से वहां तक, दिल्ली से जयपुर तक और पंजाब से दिल्ली तक जो ड्रामा चल रहा है वो आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, किसी ने रूट करके किया है वो स्वीप आ जाएगा। रूटने मनाना एक अलग बात है और लगातार किसी चीज पर निगेटिव होकर के भय का माहौल क्रिएट करना है तो ये बताइए धनंजय जी ये बताइए कि जो ये विस्तार किया गया मंत्रिमंडल में ये कैसे किया गया? क्या डॉक्टर हर्षवर्धन की काबिलियत पे कोई शक हो गया या उन्हें कोई और पद भार देना है? रविशंकर प्रसाद जी की काबिलियत पे कोई डाउट हो गया या उन्हें कोई और पद भार देना है? या जिन लोगों को शामिल कर लिया गया उनसे ज्यादा योग्य लोग हैं? देखिए योग्यता किसी की कोई कम नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व बोध के साथ अलग अलग काम दिया जाता है, जिसकी जब जैसी जरूरत होती है वैसा इस्तेमाल किया जाता है। जो नेतृत्व है, किसान भी खेत में फसल लगाने जाता है तो मौसम के हिसाब से अपना फसल लगाता है, उसी दृष्टि अगर कोई राष्ट्र का व्यक्ति राष्ट्र युग पुरुष बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, तो जब जिसकी जैसी जरूरत होगी, जिसका जैसा कार्यकर्ता की जरूरत होगी, जैसा जिसका काम होगा उसके हिसाब से उसको समय परिस्थिति और जरूरत के हिसाब से सबको काम किया जाता है। योग्यता की बात आप कर रहे हैं, मैं एक ट्वीट का जिक्र करूंगा जब चर्चा आगे और बढ़ेगी और लोगों से भी मैं राय ले लेता हूं उनका क्या मानना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जो भी बनाया गया उनके 3-4 ट्वीट कल पढ़ रहा था, उस ट्वीट में उन्होंने जो लिखा था शायद आप तक उसकी जानकारी होगी, आप तक पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले अनुमाचार्य जी, विपक्ष तो ये कह रहा है, विपक्ष की बात नहीं करेंगे, बीजेपी की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर विपक्ष में है बीजेपी, सेंटर में तो बीजेपी सर्वे सर्वा है ही, लेकिन ये जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, कभी सिद्धू कैप्टन का वार नजर आता है, सचिन पायलट को तो ये तक कह दिया गया कि इतने कमजोर हो गए हैं कि उनकी तो चलने वाली ही नहीं है, अब कांग्रेस हाईकमान बीजेपी को खींचे या अपने वालों को खींच खाच कर साथ इकट्ठा लेकर आए, क्यों ऐसा क्यों? मंत्रिमंडल विस्तार से सब कुछ आप साध पाएंगे या ये परिस्थितियां ऐसे ही बनी रहेंगी? देखिए कांग्रेस में एक चीज बहुत अच्छी है कि जहां भारती का व्यक्तित्व होता है, उनका अलग अलग उनका विकास हुआ है, उनका अलग अलग उनको जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके कारण वो जिस तरह से बने हैं वो सबको दिखता है। ये बात जरूर है कि महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन प्रतिबद्धता इससे किसी की कम नहीं होती और कांग्रेस जो है अपना इंतजाम जो है अंदर वो कर सकती है, लेकिन कांग्रेस एक चीज से जरूर परेशान है कि उसके लीडर्स की पोचिंग होती है। तो ये लोकतंत्र में नई चीज शुरू हुई है कि यहाँ से पोच करके जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे वो कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे हैं, कांग्रेस मय बीजेपी बना रहे हैं, उसका खामियाजा एक तरफ कांग्रेस को तो हो रहा है क्योंकि वो एक देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी जो अभी ये बात कर रहे थे उसी के बारे में कह रही हूँ मैं कि उस बीजेपी के अंदर भी आप बाहर से आए वाले लोगों को बहुत ज्यादा जगह दे रहे हैं, तो अंदरूनी कलह, अंदरूनी तनाव, अंदरूनी मतलब जो उनका परेशानियां है, दुख है, वो उसके अंदर हो रहे हैं। लेकिन अनुमा जी ये हो क्यों रहा है? लोगों को पलायन, ये पलायन हो गया, कांग्रेस पार्टी से पलायन कर रहे हैं लोग बीजेपी में, आप तो कर
पलायन समझे इसको, नहीं है वो पोचिंग है वहाँ पर, उनको किसी तरह का लालच देके जब हम लेकर जाते हैं, क्योंकि आपके घर में अगर चोर चोरी करेगा तो आपकी गलती थोड़ी मानेंगे। हम जानते हैं कि चोर आकृष्ट हुआ आपके घर की किसी एसेट के ऊपर, उसने चोरी की, तो हम चोरी को थोड़ा ही ना अब ये कहने लग जाएंगे कि भारत इस तरह हो गया है कि हम चोरी को भी कहने लगेंगे कि अच्छी बात है, उसको तो आप महिमा मंडित नहीं कर सकेंगे ना। तो ये कांग्रेस अपने मुद्दे जो है वो अंदर देख रही है, और कांग्रेस को अगर हम देखें तो जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी के पास 17 विभाग है, केंद्रीयकरण की आदत है, यूपी में 25 विभाग है, तो कांग्रेस में जैसे हम राजस्थानी देख ले तो 22 मंत्री हैं, उनके बीच में डिवाइडेड है वो। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि कांग्रेस अपने आप में अपने आप को ठीक रख सकती है, बशर्ते ये पोचिंग की कहानी जो है जो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं इससे सवाल लेकर बीजेपी से हम पूछेंगे, लेकिन हम ये भी तो जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया कि वो आपसी जो कला है वो सड़कों पर आ जाती है, उस कला के चलते क्या मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा? चर्चा का विषय आज ये है, क्योंकि आप लोगों को तो आप लोग एक मिनट जी, लेकिन कांग्रेस का जो तरीका, एक मिनट अनुमा जी, हाँ जी महेंद्र जी, अटल जी जो बता रही है कि कांग्रेस मतलब चोरी की शिकार हो रही है, इसी देश में पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी पार्टी दूसरी पार्टी से उसके कांग्रेस में भी शामिल होती रही है। अनुमा जी देखिए, वक्त अपने आप को दोहराता है, अब आप चाहे बेशक बीजेपी पर आरोप लगाते रहे कि वो ऐसा कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भी बहुत समझना जरूरी है। और क्या मैं बात मंत्रिमंडल की कर रहा हूँ, राजस्थान में पायलट को मनाना जरूरी है आप लोगों के लिए, वही सिद्धू को भी खुश रखना जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आने वाले चुनाव में राजस्थान में और फिर थोड़े दिन बाद पंजाब में चुनाव होने, वहां पर भी हालात खराब होंगे, तो मनाना जरूरी है ना, विस्तार होगा कि नहीं होगा। कि सचिन पायलट का जहां तक सवाल है, वो एक एयरफोर्स ऑफिसर के बेटे हैं, वो अपनी प्रतिबद्धता समझते हैं, विस्तार भी होगा, उनको उनके ड्यूज भी मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि वो उड़ गए थे, पायलट का विमान उड़ गया था, ये संकेत मिल रहे थे, बच गया, पता नहीं क्या समीकरण बने, लेकिन ऐसे ही आरोप लगे कि विमान उड़ गया पायलट का। देखिए हर जगह ऐसा नहीं होता कि इंसान जो है वो किसी न किसी लालच में आके कहीं चला जाए। सचिन पायलट की प्रतिबद्धता कांग्रेस के लिए है, थी और रहेगी, तो वो जो अभी विस्तार होगा उसमें आप देखेंगे आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। चलिए हम इंतजार करेंगे और भी सवाल है तो उनको लेकर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ संदीप चौधरी भी जुड़ गए हैं और काफी समय से सीमा गिल जी भी इंतजार कर रही है जो चर्चा है उसको लेकर जवाब लेंगे। लेकिन संदीप चौधरी जी आपसे पूछूं मैं, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं इच्छाएं सबकी होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूर्ण करना, हर किसी की इच्छा को पूर्ण करना आसान काम नहीं है और किसी की नहीं पूरी होती है, लेकिन उसके बाद भी संतुलन बना के रखना जरूरी है, वो चाहे यूपी की राजनीति की बात कर ले, पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्र के तर्ज पर काम होगा या फिर कुछ और तरीके से काम किया जाएगा, ये समझना बेहद जरूरी है। संदीप जी देखिए, संतोष जी, चाहे केंद्र के मंत्रिमंडल की बात कीजिए, चाहे आप राज्यों के मंत्रिमंडल की बात कीजिए, इसके पीछे राजनीतिक हित और राजनीतिक फायदे देखे जाते हैं। जनता के लिए काम करने की जो मंशा होती है वो तो सेकेंडरी चीज है, इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा आने वाला समय चुनाव का है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, राज्य में चुनाव कैसे लड़ना है, हमारे कौन कौन से नेता है जो नाराजगी की वजह से पार्टी छोड़ सकते हैं या नाराजगी की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ को संगठन में सेट कर दिया जाएगा, कुछ को सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा, इस तरीके से अपनी एक टीम बनाकर अपने उसको संयुक्त करके संगठन मजबूत करके जनता के बीच में जाने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नाम और नेता भी होते हैं जिनके ऊपर लगातार जनता की उंगली उठती रहती है, या उनके काम करने का तरीका या उनकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की आ जाती है, कुछ आजकल महिलाओं के ऊपर गलत तरीके से कोई किसी के ड्रेस को कोड कर देता है, तो उन लोगों को भी चिन्हित करके धीरे से साइड करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो सुभाष बराले जी का उनके बेटे का विकास का केस हुआ था, तो उस टाइम उनको नहीं हटाया, लेकिन धीरे 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 करके चीजें साइड की गई। इसी तरीके से कई घटनाएं ऐसी आती है, कहीं महिलाओं को लेके हो जाती है, कहीं डेवलपमेंट को लेके हो जाती है, कहीं घोटालों को लेकर के हो जाती है, तो कई लोगों को साइड कर दिया जाता है, कई नए चेहरों को सामने लेकर के आया जाता है। और
सबसे लास्ट में आता है मुद्दा के काम करने वाली बात है। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि मैं अपने सांसदों का भी रिपोर्ट कार्ड चेक करूंगा, मैं मंत्रियों का भी रिपोर्ट कार्ड चेक करूंगा, उस हिसाब से देखा जाए तो सभी लोग फेल हो गए हैं और सभी नया एक मंत्रिमंडल आज हमारे सामने है। इसी तरीके से आप राजस्थान की बात कर सकते हैं, इसी तरीके से आप पंजाब की बात कर सकते हैं, इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या किसी दूसरे राज्य की बात कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर मैं पंजाब की बात करूं तो जिस तरीके से कैप्टन के सामने चुनौती है, बिजली का मुद्दा पंजाब में बहुत बड़ा है, किसानों का मुद्दा भी पंजाब में बहुत बड़ा है, उसके साथ साथ अपने संगठन के अंदर चाहे वो बीजेपी का संगठन हो चाहे भारतीय कांग्रेस का संगठन हो, सबके सामने चुनौतियां हैं। तो उन लोगों को साधने की भी चुनौती है, अपनी जो छोटे दल है जिनके सहयोग से इलेक्शन के मैदान में जाना है उनको भी खुश करना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मोदी जी ने कैबिनेट में लिया, जो रामविलास पासवान थे उनके भाई को कैबिनेट में लिया बिहार से। तो इस टाइम पे सभी राजनीतिक दल और सरकारें लोगों को खुश करने में और अपनी एकता बढ़ाने में लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण यही है कि सभी को खुश करना जरूरी है, लेकिन कितने खुश होते हैं वो बताएगा वक्त, वो बताएगा उनका व्यवहार, वो बताएगा उनका काम, ग्राउंड पर जाकर वो कितना काम कर पाते हैं। और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड की जो बात हो रही, उस रिपोर्ट कार्ड से पता भी लग जाता है और उस रिपोर्ट कार्ड को ही कहीं ना कहीं आधार बनाया गया होगा केंद्र में जो मंत्रियों को बाहर किया गया, नए मंत्रियों को शामिल किया गया और उसी की तर्ज पर राज्य सरकारें भी कोशिश करती हुई दिखाई दे सकती हैं क्या। सीमा गिल जी आपके पास आना चाहूंगा, ऐसे हालात इन स्टेट में बनेंगे क्या? कांग्रेस के लिए तो साधना सभी को है, नाराजगी जिस जिसकी उसको ठीक रखना जरूरी है, और दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, योगी के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। क्योंकि एक छोटा सा मैं पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी चुनौती देते हैं योगी आदित्यनाथ को, अब दो पहलवान राजनीतिक हैं, अब तुलना सभी जानते हैं कितनी हो सकती है कितनी हो सकती है, ओवैसी की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं योगी जी, यानी कितने बड़े पहलवान हैं योगी और कितने बड़े पहलवान असदुद्दीन ओवैसी हैं ये समझ में आता है। तो इस प्रकार की चुनौतियां देना और लेना ये भी कितनी बड़ी बात है, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये समझेंगे आपसे। देखिए संक्षेप, क्योंकि बात पूरी तरीके से राजनीतिक हो रही है तो मुझे लगता है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो केंद्र की मोदी कैबिनेट के विस्तार की बात हो या फिर राज्यों में विस्तार की बात। पूरी तरीके से हर तरीके से जो दाव पेच है वो पूरी तरीके से राजनीतिक विसात जो बिछाने की बात हो रही है राज्य सरकारों में, जो जो दो तीन राज्यों में इलेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें, और आगे जो 2024 का इलेक्शन है उसको। अब बात जो आप कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की और योगी जी की, तो आपको ये समझना होगा, देखिए ये जो खेल है राजनीति का इसमें दो तरीके से खेला जाता है, एक तो ये कि आप कुछ काम करते हैं परफॉर्मेंस करते हैं और उसके बेस पर आप जनता के बीच में जाते हैं, और दूसरा जो हमेशा से प्रैक्टिस में रहा है कि आप एक डर की राजनीति करते हैं, एक माहौल एक तुष्टिकरण की राजनीति को फोकस करते हैं और वो करते हैं। जो ओवैसी कार्ड जो होता है हमेशा वो इस तरीके से खेला जाता रहा है राजनीति में, भारतीय राजनीति कर मैं खासकर बात करूं यूपी जैसे राज्य में जहां पर अयोध्या अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां पर अगर ओवैसी कुछ बोलता है तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं फायदा दूसरी जो पार्टी है उसको भी होगा, क्योंकि एक डर की राजनीति का सीधा सीधा फायदा जो होता है कि वो डर आप अपने आप में सबसे आसान तरीका होता है लोगों को इकट्ठा करने में। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से प्लान्ड तरीके होते हैं जिनको मैनेज किया जाता है, जिनको सोशल मीडिया पे इस्तेमाल किया जाएगा, आने वाले चुनाव के मुद्दे बनाए जाएंगे और लोगों को इसके नाम पे डराया जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है मुझे लगता है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी भी आप देखिएगा पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं, हालांकि मोदी जी की बात जब हम सुन रहे थे और ये बहुत बड़ी बात बार बार मोदी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, मेक इन इंडिया को अपने आप में बहुत बड़ा कैंपेन बनाया गया, और जिस तरीके से पैंडेमिक पीरियड में ये पूरे के पूरे जो इश्यूज डेवलप हुए, चाहे वो रोजगार को लेके है, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उन सब में ये बेहद ज़रूरी था इन सब चीज़ों पर काम हो, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड था जिस पर काम होना चाहिए था। लेकिन आप अगर विस्तार की बात करें तो पूरी तरीके से विस्तार कम, ये फेरबदल पूरी तरीके से जो था कैबिनेट का उसको अगर आप देखते हैं तो उसमें पूरी तरीके से जो जातीय समीकरण है, जो क्षेत्रीय समीकरण है, उन पर काम किया गया। इसका मतलब आज भी आपकी राजनीति 21वीं सदी में भी हम जातीय समीकरण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या जात की राजनीति से हम कभी बाहर निकल पाएंगे? क्या हम विकास की राजनीति पर कभी काम कर पाएंगे? यह अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जितने तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं मैं इन सबसे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें एक प्रोग्रेसिव अप्रोच
को समझना बहुत जरूरी है कि आप भारतीय राजनीति में हम क्या इसी पे खेलते रहेंगे, इससे आगे का कोई रास्ता है, हम क्या अपने आने वाले जनरेशन को कोई नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, नई प्रैक्टिस दे सकते हैं आने वाली राजनीति में कि वो उस पर काम करें, या फिर हम हर तरीके से क्षेत्रीय क्षेत्र के बेस की राजनीति, जात के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति, और इन तम सबके बीच में कहीं ना कहीं जो आम आदमी की जो बात हो रही थी कि आम आदमी कहीं नहीं रहता, वाकई में आम आदमी पीछे छूट जाता है और ये जो जात और धर्म और क्षेत्र की राजनीति के बीच में आप पूरी तरीके से पिसके रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वाकई काम करना चाहते होंगे, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है, राजनीतिक पार्टियां भी उसी तरीके से एक दूसरे को जीतने में लग जाती हैं और वो समीकरण बनाने में लग जाती है कि कैसे आप जो एक जो गठजोड़ करना है जातियों का उस पर फोकस किया जाए। और उस सबके बीच में जो कैबिनेट की जब हम बात करते हैं तो वो जो सक्षम चेहरे हैं या जो माइंड है जो हमारे लिए पॉलिसी मेकर का काम कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में चाहे वो राज्यों का कैबिनेट की बात हो या केंद्र के कैबिनेट की बात हो, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इस देश को आज बहुत अच्छे पॉलिसी मेकर की ज़रूरत थी। क्या हमने कैबिनेट में उन सब चीज़ों को ध्यान रखा या सिर्फ हम सिर्फ जीत की राजनीति के काम करते रहेंगे, ये अपने आप में बड़े सवाल है। मुझे लगता है कि पैनल पे जो बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो उनसे ज़रूर हम इस पर व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि क्या हम जो सकारात्मक एक रूप होना चाहिए राजनीति का उस पर हम कहीं काम कर सकते हैं या कहीं आते या उसके लिए कुछ चुनौतियां हैं राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से आप देखते बिल्कुल हैं। ये शॉर्ट टर्म जो पॉलिसी है इसको बदलना पड़ेगा, और ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो होती है वो बड़ी घातक होती है, किसी जाति विशेष को धर्म विशेष को प्रतिनिधित्व दे देते हैं मंत्रिमंडल में, योग्यता पैमाना नहीं रह जाता, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। महेंद्र यादव जी, ये जो बात उठी है इस बात पर भी चर्चा होना बेहद जरूरी है, धर्म जाति महत्वपूर्ण है भारत की राजनीति में, और इसके बिना तो लगता नहीं कि जनता भी वोट को लेकर उत्साहित होती है, अपनी जात अपने बिरादरी को फोकस में जनता भी रखती है और उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि फलां व्यक्ति को वोट दे दिया हमारी जाति से बिरादरी से धर्म से नहीं है तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो ये भी चर्चा होना जरूरी है कि जो भी राजनीतिक पार्टी विस्तार करे वो ये ध्यान रखे कि योग्य कौन है और उस पद की गरिमा का ख्याल कौन रख सकता है, ये बहुत जरूरी है। देखिए शमशेर जी, हमारे राजनीति में दिक्कत क्या होती है कि जब अगर कोशिश करें कि यहाँ पे जाति धर्म को अलग रख के अच्छे लोगों को सामने लाना है तो सारे अच्छे लोग ब्राह्मण ही मिलते हैं, सारे अच्छे लोग ठाकुर ही मिलते हैं, सारे अच्छे लोग बनिया या आपकी मिलते हैं, यहाँ पर आपत्ति हो जाती है। सवाल ये होना चाहिए था कि अभी तो अभी भाजपा ने प्रचारित करने की कोशिश की है जैसे कि हम तमाम ओबीसी और एससी जातियों को शामिल कर रहे हैं, तो इस बात को वो हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि सामने राजनीतिक फायदा हो। इससे पहले क्या था, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ऊर्जा प्रसारण मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, सड़क परिवहन भूपाल मंत्री, सारे के सारे मंत्रालय लगभग एक या दो जातियों के अंदर सीमित किए गए थे। लेकिन महेंद्र जी इसमें एक बात मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, महेंद्र जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं इस पे जानना चाहती हूँ। देखिए इसमें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है या इसमें वोटर्स की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से सोचे, क्योंकि जब आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने जाते तो आप ये नहीं देखते ना कि कौन सी जात का डॉक्टर है, आप जो बेहतरीन डॉक्टर दिखता है आप उससे इलाज कराते हैं। तो क्या राजनीति में भी वोटर्स को भी समझदार होना पड़ेगा कि हम वोट उसको डालें जो बेहतरीन है या जात को पीछे छोड़ दें, धर्म को पीछे छोड़ दें? निश्चित तौर पर जो सबको साथ में लेके चले ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, लोकतंत्र का तो मतलब यही है। हालांकि डॉक्टरी के पेशे से या जो प्रोफेशनल पेशे हैं उनसे राजनीति का मामला थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें भागीदारी की बात होती है, प्रतिनिधित्व की बात होती है, हमारी बात वहाँ पर पार्लियामेंट तक कोई रखेगा कि नहीं रखेगा, तो ये सारी बातें भी देखी जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर दर्शकों यानी जनता का काम यही है कि जो सबको साथ लेके चले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में लेके चले, ऐसे लोगों को सामने रखना चाहिए। क्योंकि कोई एक, देखिए किसी भी लोकसभा सीट पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि कोई एक सीट ऐसी होगी कोई एक ही जाति के लोग चुन लेंगे। एक जाति का हो सकता है किसी सीट पर बहुमत हो या ज्यादा वोटर हो, लेकिन वो जीतता तभी है जब उसको अन्य जातियों के भी वोट मिलते हैं, वरना कई बार तो ऐसा उल्टा हो जाता है, जिस जाति को क्या प्रत्याशी, अगर जिस प्रत्याशी की जाति के वहां पर किसी सीट पर बहुमत भी है तो उसके खिलाफ में बाकी जातियां ध्रुवीकरण कर लेती हैं, पोलराइजेशन हो जाती हैं,
और उसकी जाति का बहुमत हुए भी होते हुए बिहार जाता है, बिल्कुल वोट सभी के चाहिए पड़ते हैं, तो प्रत्याशियों को भी हमें ऐसा ही चुनना चाहिए, उसमें सभी को साथ में लेकर चले। लेकिन जहाँ तक मंत्री और उसकी भागीदारी की बात है, तो आप काबिल लोगों को चुनिए, लेकिन वो काबिल लोग और तो वैसे भी सभी तबके से आने चाहिए ना, काबिलियत दो तीन जातियों तक तो सीमित नहीं हो सकती। ये कई बार ऐसे ऐसे मसले उठे हैं महेंद्र यादव जी, अच्छा चला पाएगा रक्षा मंत्रालय ठाकुर ही अच्छा चला पाएगा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। मुझे लगता है बीजेपी से इस पे रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। छोटा सा कमेंट लेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार संदीप चौधरी जी भी इस मसले पर कमेंट करें, उसके बाद फिर धनंजय गिरी के पास चलेंगे। संदीप चौधरी जी, ये भी सवाल बहुत बार उठता रहा है कि काबिल किसी जाति विशेष का है या किसी समुदाय विशेष को प्रतिनिधित्व देना ही जरूरी है मंत्रिमंडल में, खासकर मंत्रिमंडल की बात हम कर रहे हैं। अगर किसी जाति से प्रतिनिधित्व मिल गया, सांसद बन गया है केंद्र में या किसी राज्य में विधायक बन गया है, तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या उस जाति विशेष के व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जाना चाहिए, या फिर चाहे किसी एक जाति के चार पांच लोगों लेकिन वो काबिल हैं? देखिए ये जरूरी है, काबिल होना बहुत जरूरी है, काबिलियत के आधार पर मंत्रालय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। संदीप जी देखिए, शमशेर जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और ये राजनीति को झकझोर देने वाला सवाल है। जब बात चैलेंज की आ जाती है तो कई लोगों के दिमाग में आ सकता है, जैसे हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, एक अच्छी पोस्ट पे रही है, तो आप निसंदेह कह सकते हैं टैलेंटेड है, वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत की होगी। अश्वनी जी जो एक अभी मंत्री बने हैं, रेलवे मंत्री, वो IAS अधिकारी रहे हैं। अगर इस तरीके से सिलेक्शन होगा तो फिर जो नीचे लेवल के लोग हैं, अगर हम ये चूज करने लगे कि हमें IAS PCS या बड़े अधिकारियों को ही राजनीति में लाना है, तो जो नीचे की लेयर है, जिस तरीके से किसानों का जो प्रतिनिधित्व है महेंद्र सिंह टिकैत ने देश को दिया, तो महेंद्र सिंह टिकैत जैसे जो लोग हैं वो नीचे रह जाएंगे, वो कभी भी लीडरशिप में नहीं आ पाएंगे, वो देश की आवाज नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए ये व्यवस्था रखी गई है, वोटिंग की व्यवस्था, इसमें पढ़े लिखे लोग भी वोट करता है, अनपढ़ व्यक्ति भी वोट करता है, और अभी तो कुछ कर भी दिया है कि कम से कम 10वीं या 12वीं कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन इसके पहले ऐसा भी नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव जीतता था, मंत्री भी बनते थे, वो देश के लिए समर्पित भी थे। जिस तरीके से जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी कि वो ग्रेजुएट है सब वो आजादी लड़ रहा है, वो अनपढ़ है वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसी तरीके से देश को आगे लेके जाने वाला मसला है, इसमें एक IAS अधिकारी भी साथ में खड़ा होगा, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसके लिए सहयोग करेगा। तो ये चीजें मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कि जब आप चूज करते हो देश के लिए जिनको जिम्मेदारी देनी है, तो ऐसा क्या है कि देश के रक्षा मंत्री अगर राजनाथ सिंह है तो उनके बेटे को आप नोएडा से बना देते हो? क्योंकि जब हम जिम्मेदारी देने के नंबर आता है, अमित शाह का बेटा BCCI में बन जाता है, इसी तरीके से दूसरे तमाम नेताओं की, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं करूंगा, दूसरे नेताओं के दूसरी पार्टियों की भी मैं बात करूंगा, तो उनकी नजर अपने ही बेटे बेटियों पर, अपने ही रिश्तेदारों पर जाकर के टिकती है, और इस तरीके की चीजें जो जनता चाहती है, जिस तरीके की हम डिबेट करते हैं कि लोगों को चूज करके लेकर गाइए, तो वहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, टैलेंट की जरूरत है, जब आप वोट के लिए भर्ती करेंगे तो उस लीडर को अपने बच्चे भेजने की जरूरत है, वहां उनको टैलेंट चाहिए। अगर आप किसी भी पद के लिए, चपरासी के लिए भी टैलेंट की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि किसी नेता को अपना बच्चा चपरासी नहीं बनाना है। तो जहां पे जरूरत होनी चाहिए टैलेंट की, वहां पर इस तरीके के जो पैरामीटर्स है वो लागू नहीं होते, और इसीलिए आज हम इस चीज पर डिबेट कर रहे हैं। आप ये देखिए, कल्याण सिंह जी एक टाइम में गवर्नर है, गवर्नर थे अभी राजस्थान के, उनके बेटे सांसद और उनके जो पोते हैं वो यूपी सरकार में मंत्री हैं, तो फिर किस टैलेंट की हम बात करते हैं? क्या सारा टैलेंट एक ही घर में आ गया, एक ही पार्टी में आ गया? तो शमशेर जी, समस्याएं बहुत सारी है, इनके जमीनी रूप से सोचना समझना पड़ेगा। राजनीतिक टैलेंट की आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक टैलेंट है, राजनीतिक टैलेंट का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो राजनीति में पिता ने क्या भूमिका निभाई, पिता के पिता ने क्या भूमिका निभाई, और उसके बाद जो जिम्मेदारी संभालने की बारी आई तो फिर उन्होंने अपनों के लिए लोबिंग करनी शुरू कर दी। ये आरोप लगते रहते कांग्रेस पार्टी पर भी, परिवारवाद की राजनीति की बात होती रही, लेकिन अब इन्हीं आरोपों से घिरती नजर आती है भारतीय जनता पार्टी भी। कुछ एक उदाहरण दिए गए हैं, धनंजय गिरी जी, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए योग्यता पैमाना है, प्रतिनिधित्व किसी जाति समुदाय को वो भी पैमाना हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिम्मेदारी दी जाती है उसको संभालने के काबिल है कि नहीं, पढ़ा लिखा कितना है, टैलेंटेड कितना है, योग्य होना बेहद जरूरी है, और योग्यता का पैमाना प्रशासन को चलाना होता है। उसके लिए हमने देखा गांव में सरपंच अनपढ़ होते थे लेकिन चुटकियों में फैसला कर देते थे, एक मिनट में फैसला आ जाता था, पुलिस प्रशासन उस मसले को नहीं सुलझा पाता था, लेकिन पंचायती आदमी आते हैं, चार पांच बैठते हैं पंच सरपंच और फैसला हो जाता है। तो अनुभव बहुत जरूरी है,
अनुभव भी होना चाहिए, केवल प्रतिनिधित्व जातिगत आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर या टैलेंट के आधार पर हो ना हो, यह भी बहुत जरूरी है। और ऐसे आरोपों से कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी गिर गई है कि वो भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। शमशेर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जाति का कोई मतलब ही नहीं है और परिवारवाद का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट है, आप देखिए चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक समाज के अंतिम पायदान से आने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनता है। ये बात कही धनंजय के जी, चार चार लोग हैं, चारों के मुंह से एक स्माइल और मुझे भी थोड़ी सी हल्की सी स्माइल आई, पता नहीं इसके पीछे हंसे नहीं है, एक मुस्कान बिखरी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाति को महत्व नहीं दिया जाता है, इस बात पे डिटेल में आता हूँ, डिटेल में आता हूँ। अगर आप किसी जाति से किसी व्यक्ति को लेंगे या किसी व्यक्ति को लेंगे तो किसी जाति आपके पास अनुमा जी, आप जाति से आप व्यक्ति को लेंगे या व्यक्ति से को लेंगे तो किसी ना किसी जाति से ही आएगा। जाति और व्यक्ति हमारे यहाँ समाज में बंधा हुआ है इस तरह से। लेकिन जो राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि सिर पे कुल का छत्र लिए भीतर का लेके काले और जरा नहीं शर्माते जगत में जाति पूछने वाले, तो हम उस बात पर नहीं है। हम किसी की जाति पूछ कर नहीं करते, हम व्यक्ति का गुण देखते हैं, गुण के आधार पर व्यक्ति का चयन करते हैं। जैसे आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में तो सिर्फ का पद एक परिवार के लिए रिजर्व है और बाकी जो छोटी छोटी दलें बने हुए हैं वो पर्टिकुलर जातियों के लिए बने हुए हैं और वो सामंतवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते इतने बड़े सामंती हो गए कि वो पद वो दल वो एक परिवार की प्रॉपर्टी बन गया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। ये भारतीय जनता पार्टी है, आप आरोप नहीं लगा सकते। सीमा जी मेरी बात को कंप्लीट कर लेती है, जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई है वो एक परिवार का दल बनकर रह गए हैं कि नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गए हैं कि नहीं, आप खुद इस बात को बताइए। मैं बात करूं आपसे धनंजय गिरी जी, आप ऐसे छोटी छोटी पार्टियों का सहयोग लेके, ऐसी छोटी छोटी पार्टियों का सहयोग लेके आप राज्यों में तो सरकार बना लेते हैं, केंद्र में आपका पूर्ण बहुमत आ गया तो आपको लगता है कि जरूरत नहीं उन लोगों की, लेकिन स्टेट में आप लोगों की जरूरत है। जिन छोटी पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं, सामंतवादी व्यवस्था के आरोप लगा रहे हैं, किसी जाति समाज किसी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको भी समाज में जीने का हक देते हैं, मौका देते हैं, आगे बढ़ने की सहूलियत देते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बुराई कब होती है? चलिए अनुमा जी कुछ इसको लेकर जवाब देना चाहती है। अनुमा जी बहुत से पैनलिस्ट, हाँ हाँ, बुराई कब होती है? जब आप धनंजय जी जवाब लेता हूँ, धनंजय जी जवाब लेना बेहद जरूरी है। मंत्रिमंडल में योग्यता किस, कौन सी योग्यता पैमाना होनी चाहिए किसी को मंत्री बनाने के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए जनता चुन के भेज देती है तो सीधी सी बात है उस व्यक्ति के अंदर काबिलियत तो है, लेकिन उसको प्रशासनिक अनुभव कितना है, उसको प्रशासनिक अनुभव के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो आईएएस अधिकारी स्तर के लोग उसकी मदद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अनुमा जी ये आरोप, एक मिनट धनंजय जी, मैं अनुमा जी से बात कर लेता हूँ, छोटा सा कमेंट उनका भी चाहेंगे। अनुमा जी ये जो आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के, ये खत्म होंगे क्या कभी? देखिए जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है, जनता ने फैसला सुना दिया है लोकसभा चुनाव में, आपने देखा। अब अगर उसी तरीके का काम होता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? शमशेर जी देखिए, एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, कोई भी चीज बदलती है, परिवर्तन ही स्थायी है, ये आप ध्यान रखिएगा। लोगों ने एक बार फैसला सुनाया, कांग्रेस पार्टी को पता है उसकी गलतियां पता है, और उसके बाद हम दोबारा आएंगे लोगों तक, और आप उसकी चिंता ना करें। पर यहाँ पे जो परिवार, मुझे चिंता नहीं है, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। चिंता तो कांग्रेस को करनी चाहिए, बीजेपी को करनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को चिंता करनी चाहिए, हमें क्या चिंता है? बात करने दीजिए, आप पूरी बात नहीं करने दे रहे हैं। मैं पूरा बात दे रहा हूँ। जयशंकर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, पीयूष गोयल कौन है, ये ठाकुर अनुराग ठाकुर सब जानते हैं परिवारवाद है वहां पर। एस जयशंकर का तो इतना खराब काम है, एज अ फौजी बोलती हूँ मैं ये बात कि उन्होंने चीन को आने के बाद उनकी बात करने की हिम्मत नहीं होती है। 11 बार सेना ने बात की है उनसे, तो बात नहीं करते बनती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए, तो आप वो किस लिए है? उनकी खराब परफॉर्मेंस के बाद भी वो लोग क्यों है? अनुराग ठाकुर हेट मॉन्गरिंग कर रहे थे, क्यों है वहाँ? तो ये पार्टी जो है जनता पार्टी हमेशा से ब्राह्मण बनिया ठाकुर की पार्टी कही जाती रही है। कांग्रेस एक पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष पार्टी रही है। आप तुष्टिकरण के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि कांग्रेस योग्यताओं को देखती है। अगर दलित की बात करें तो मीरा कुमार जी हमारी लोकसभा स्पीकर रही है, तो जहां पर कांग्रेस पार्टी का लोगों को योग्यता के हिसाब से उनको काम देने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने सभी को उस तरह के मौके दिए हैं। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो परिवारवाद में आज मैं इसे 150 लोगों के नाम गिना सकती हूँ जिनका वंशवाद
ठीक है, में पनपता है और हाँ, जो अनुमा जी ठीक है, अनुमा जी छोटा सा कमेंट मैं अभी लास्ट, अब वक्त नहीं है मेरे पास, रोकूंगा आप लोगों को, छोटा सा कमेंट मैं सीमा जी आपसे लेना चाहूंगा। ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार जरूरत है सभी सरकारों के लिए और ये उनका अधिकार भी है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि हर चीज को ध्यान में रखकर बारीकी से अध्ययन करते हुए लोगों में इस प्रकार का भाव पैदा होना चाहिए। किसी विस्तार होता है किसी मंत्रिमंडल का, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व मिलता है तो लोगों को संदेश जाना चाहिए कि हमारा सबका ख्याल रखा जाएगा और जिस व्यक्ति को चुना है वो वाकई में हर लिहाज से ठीक है। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये शमशेर जी, मुझे लगता है सभी पैनलिस्ट को हम सुन रहे थे, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप आधार कोई भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए जो लीडर होता है आपके कैबिनेट का लीडर है मोदी जी हैं या राज्यों में जो सरकारें हैं उनके लीडर जो सीएम होते हैं वो अपनी कैबिनेट में अपने हिसाब से लोगों को चुन सकते हैं, उनका आधार कुछ भी हो सकता है, आपका समाज भी हो सकता है, क्योंकि समाज की भागीदारी भी आपके कैबिनेट में होनी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो सक्षम है उस भागीदारी को निभाने के लिए और साथ में क्या वो अनबायस्ड है, क्योंकि सिर्फ जब आप नेता होते हैं तो भले किसी एक समाज से आते हो, किसी एक से आते हो, किसी एक क्षेत्र से आते हो, लेकिन आप प्रतिनिधित्व पूरे जब आप कैबिनेट में बैठ जाते हैं तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, तो क्या आप सक्षम हैं, क्या उस तरह की लीडरशिप आपके अंदर है कि आप उस टॉप उस ट्रेड से रिलेटेड या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप उतनी समझ रखते हैं कि अपने नीचे जो लोग हैं उनको आप डायरेक्शन दे सकते हैं या उस डिपार्टमेंट को आप अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पर कि प्रधान जी की बात हो रही थी कि आपने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में फेर बदल किया, आपने मंत्री हटाने के बाद लेकिन अगले दिन जनता पर क्या असर पड़ा, आपको तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अगर कहीं पर कोई बदलाव हो रहा है तो उसका असर आपका जो अंतिम व्यक्ति है जिसके लिए नीतियां बनाई जा रही है उस तक भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है और इसको सुनिश्चित करने की गारंटी सरकार के पास। समय समय पर किसी को भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका फीडबैक लिया जाना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, एक ऐसा ना हो कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद हम रिपोर्ट कार्ड ले रहे हो तब तक बहुत सारा नुकसान जो है जिस मंत्रालय को दिया गया जिम्मेदारी दी गई उस डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को या जो सुविधाएं उन लोगों को वहां से मिलनी चाहिए थी उनको हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी बहनों का, धनंजय जी आपका भी, अनुमा जी आपका भी और संदीप जी, महेंद्र यादव जी, सेवा जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। आज चर्चा यही हो रही थी कि केंद्र में तो विस्तार हो गया है और केंद्र में विस्तार के बाद कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरत है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई उनके रिपोर्ट कार्ड का हमें इंतजार करना चाहिए। व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना योग्य है, ये मैटर नहीं करता, उसके अंदर अपने डिपार्टमेंट को सुलझाने की, समझने की, काम करने की योग्यता कितनी, ये महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए कितने समय इंतजार किया जाएगा, जिन लोगों को नया मंत्री मंडल मिला है, नया मंत्री पद मिला है, वो कितने समय बाद उनका रिपोर्ट कार्ड लिया जाता है या फिर किसी खास चुनाव के मौके पर ही रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होता है। अब जिन लोगों को मंत्री बनाया केंद्र में वो जिन जिन राज्यों से आए हैं वहां पर चुनाव है, इसको ध्यान में रखकर उनको बनाया गया या नहीं बनाया गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर जिम्मेदारी दी गई है तो जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर नजर बना के रखनी पड़ेगी। ये प्रधानमंत्री का काम होता है, प्रधानमंत्री की टीम का काम होता है। अब उसी प्रकार से राज्य सरकारों की बात हम आज कर रहे थे, राज्य सरकारें भी मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगी, जिन राज्यों में चुनाव होने वहां तो होगा ही होगा, और जहां पर चाहे कांग्रेस पार्टी है, जब बीजेपी की पार्टी है, वो भी कोशिश करेंगे कि सभी जो दल साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं उनको खुश किया जाए, जिन जिन समुदाय से, जिन जिन जातियों से, जिन धर्मों से लोग आए उनको भी खुश किया जाए, ये जरूरत है, क्योंकि उसके आधार पर तो देश की राजनीति में वोट बैंक तय होता है, उसको खुश करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कांग्रेस पार्टी की बात कर, जिन जगहों पर आपसी कलह देखने में मिल रही है उसको कम करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योग्य लोगों को ही मंत्रिमंडल दिया जाना चाहिए और उसका रिपोर्ट कार्ड जल्दी जल्दी ले लेना चाहिए, नहीं तो बहुत देर होने के बाद अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत सिद्ध हो जाती है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।